Hi guys, so today I have very good news for you. Ministry of Commerce and Industry, Government of India, organizing IPR awareness program under the initiative of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and by a very kind cooperation of our director sir, principal sir, we are able to conduct these sessions for you, for our dear students. And actually ministry is conducting these sessions not only for you students, even for researchers, for faculties as well. So you have a very good fortune that you are getting these type of facilitation to aware your knowledge about these things. तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा बेटा कि IPR क्या होता है. एक्चुअली मैं देखो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. फिजिकल प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं कि मैं कल को मेरे से इन्हें कोई छीन नहीं सकता. इनकी रजिस्ट्री होती है मेरे पास, तो मेरे पास राइट्स होते हैं. ठीक है, वो रजिस्ट्री क्या है, वो मेरा राइट हो गई. ठीक है, मेरे से कोई बिना मेरी परमिशन के नहीं ले सकता है. ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा जैसे मैंने कोई नई डिजाइन बनाई, मैंने कोई नया आइडिया दिया, मेरा कोई नया इन्वेंशन रहा हो, कोई नई स्क्रिप्ट लिखी हो, तो इसको कोई भी ले सकता है. और कभी कभी क्या होता है इनको गलत इस्तेमाल के लिए भी यूज करते हैं लोग, तो वहां पे क्या करते हैं फिर कॉपीराइट क्लेम किया जाता है. ठीक है, ट्रेडमार्क्स भी होते हैं. तो ये सारी चीजें क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है. आपका गुड लक क्या है, आपको जो डिलीवर करने वाले हैं, जो आपके रिसोर्स पर्सन रहेंगे इस सेशन के, वो हमारे अतीक सर रहेंगे. अतीक सर एक्चुअली ही वाज माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर, उन्हीं से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखी है. अतीक सर डिड हिज एमटेक फ्रॉम IIT दिल्ली. He cleared many times CSIR NET exam, GATE exam. More than 10 years, he is working assistant controller of patents and design in government of India. तो वो central government के अंदर एक बहुत बड़े officer है. Sunday को सुबह 11:30 बजे आपको share की जाएगी. और जितने बच्चे इस session को attend करेंगे उन सबको हम गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपके पास वो सर्टिफिकेट आपके आगे भी काम आएगा कि आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया था. ठीक है, थैंक यू बेटा.